नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों, आज हम आपको जॉन्डिस के बारे में बताने जा रहे हैं कि यह जॉन्डिस या पीलिया होता क्यों है और किस कारण से यह आप जॉन्डिस और पीलिया इंसानों को होता है, चाहे वह पुरुष हो, चाहे महिला हो या बच्चे हो। यह जॉन्डिस क्यों होता है, क्या वजह रहती है कि जॉन्डिस हो जाता है और उससे लोगों को क्या बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और इसका उपाय क्या है और इसका सही इलाज क्या है, क्या इसका घरेलू उपचार करके यह जॉन्डिस को खत्म किया जा सकता है कि नहीं। तो दोस्तों, अगर आप डॉक्टर मणि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, शेयर कर लें, ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, जब किसी कारणवश लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो टूट जाती हैं, तो पीले रंग का बिलीरुबिन का निर्माण होता है, या लीवर आपका सही से काम नहीं करता है तो उतने समय भी आपको जॉन्डिस होने का खतरा बढ़ जाता है, और उतने समय आपकी लाल रक्त कोशिकाएं जो रहती हैं वो टूटने लगती हैं, और पीले रंग का जो बिलीरुबिन का निर्माण जब होता है तो उतने समय आपका शरीर जो रहता है वह पीला पड़ने लगता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि पीलिया हमको पता कैसे लगता है कि यह पीलिया आपको हो गया है या जॉन्डिस आपको हो गया है। जब आप ऐसे नाक पे या नोज पे ऐसे दबाएंगे तो उतने समय वहां पीलापन दिखेगा, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं, या अपनी आंखों को ऐसे उठा करके देखेंगे तो यहाँ नीचे जो भाग है व्हाइट वाला, यहाँ पीलापन दिखेगा आपको, तो उससे भी आप लगा सकते हैं कि आपको जॉन्डिस हो रहा है या हो चुका है। या आपके नाखून, ऐसे नाखून को अगर दबाएंगे तो उतने समय अगर यह रेड नहीं रहेगा या पीला दिखेगा तो उतने समय भी आपको जॉन्डिस पहचान सकते हैं कि जॉन्डिस आपको हो गया है। चलिए जानते हैं कि जॉन्डिस होने से इंसान के शरीर में क्या-क्या परेशानियां होती हैं। दोस्तों, जॉन्डिस अगर आपको हो गया है या किसी भी इंसान को हो गया है तो उतने समय उसको थकान महसूस होगा, चक्कर आएगा, पेट दर्द होगा, पलटी महसूस होगा या पलटी होगा, इसके साथ साथ उनको बुखार भी हो सकता है या फीवर भी हो सकता है। ऐसे सामान्य लक्षण आपको शरीर के अंदर देखने को मिलेंगे और कभी भी आपका शरीर जो रहेगा वो डेवलप नहीं करेगा। और कुछ लक्षण आपको, मान लीजिए आपके यूरिन का कलर भी चेंज हो सकता है, उसमें पीलापन हो सकता है, तो इससे भी आप लगा सकते हैं कि अगर धीरे धीरे आपके यूरिन का रंग पीला होने लगे तो उससे आप जान जाइए या समझ जाइए कि आपके लीवर में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है या हो चुका है, तो उतने समय आप इसका इलाज करवाएं, या आपका मल जो है वह 2 दिन 3 दिन तक नहीं होता है तो उससे भी आप लगा सकते हैं कि आपको पीलिया का लक्षण धीरे धीरे शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगर किसी भी इंसान को पीलिया या जॉन्डिस हो गया है तो क्या क्या परहेज करना चाहिए जिससे जॉन्डिस जो बढ़ रहा है वह कंट्रोल में रहे। मान लीजिए हम ही को जॉन्डिस हो गया है तो हमको पता नहीं है कि हमें क्या क्या परहेज करना है, हम सब चीज खाते रहे हैं जिससे हमारा जॉन्डिस जो है वो कंट्रोल नहीं रहेगा, तो उतने समय आप नमक का प्रयोग कम करें, जहां तक हो आप नमक ज्यादा प्रयोग ना करें। इसके साथ साथ आप अचार का प्रयोग मत करें, खटाई का भी प्रयोग मत करें, तली भुली चीजों का प्रयोग मत करें, इसके साथ साथ आप मीठे का प्रयोग ना करें, और अगर आप जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं या बाहरी सामानों का ज्यादा प्रयोग करें तो उतने समय इन सब चीजों को आप बंद कर दें, ताकि आपकी जो जॉन्डिस का स्तर है वह बढ़ रहा है तो उसे कंट्रोल किया जा सके और उसी पे स्थिर रहे, और कुछ घरेलू तरीका अपना करके आप जॉन्डिस को जड़ से भी खत्म कर सकते हैं। या इसके साथ साथ अगर आप धूम्रपान या शराब का सेवन कर रहे हैं उतने समय भी आप इसको बंद कर दें, क्योंकि इससे भी आपको जॉन्डिस और या पीलिया होने का खतरा ज्यादा रहता है जो आपके सीधे लीवर पे अटैक करता है, जिससे वह लीवर आपका इन्फेक्शन होने के कारण और लीवर आपका काम नहीं करता है, तो उतने समय धीरे धीरे जो लाल रक्त कोशिकाएं आपके शरीर में रहती हैं वह टूटने लगती है और टूट चुकी होती हैं, जिससे पीले रंग का बिलीरुबिन का निर्माण होने लगता है और आपका शरीर धीरे धीरे पीलापन होने लगता है। तो ऐसी गलती आप ना करें, अगर आपके लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका इलाज कराएं, ताकि आपको पीलिया जैसी खतरनाक बीमारी का आपको सामना न करना पड़े। चलिए जानते हैं कि हम घरेलू तरीका अपना करके क्या अपने यह जॉन्डिस को आप हम जड़ से खत्म कर सकते हैं या हमें फिर अंग्रेजी दवाओं का सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप लगातार आयुर्वेदिक दवा जो घरेलू तरीका है उसे भी अपना करके अपने जॉन्डिस या पीलिया को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आप करेले के पत्ते का जूस बनाकर उसे दिन में 3 से 4 बार पी रहे हैं तो उससे आपकी जॉन्डिस जो है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप मूली के पत्ते का जूस बना करके पी रहे हैं तो उससे भी आपकी जॉन्डिस खत्म हो जाएगी।
इसके साथ साथ अगर आप सेब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी आपकी जॉन्डिस खत्म हो जाएगी, या आप अरहर के पत्ते का जूस बना करके पी रहे हैं दिन में 3 से 4 बार तो उससे भी आपकी जॉन्डिस या पीलिया जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप नीम के पत्ते का जूस बना करके दिन में 1 बार पी रहे हैं, ज्यादा आपको नहीं पीना है, उससे क्या होगा आपके पेट में जलन होने लगेगी, जिससे आपका लीवर जो इन्फेक्शन है वह जड़ से खत्म हो जाएगा या आपके पेट की समस्या जो भी वह भी जड़ से खत्म हो जाएगा। तो उतने समय आप नीम के पत्ते का जूस बना करके दिन में 1 बार अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो उससे आपकी जॉन्डिस जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप गन्ने का रस पी रहे हैं तो उससे भी आपकी जॉन्डिस खत्म हो जाएगी, और छाछ और दही में अगर काला नमक डाल करके पी रहे हैं तो इससे भी आपकी जो जॉन्डिस की समस्या है या पीलिया की समस्या है तो उससे भी आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अनानास का प्रयोग करें, चेरी का प्रयोग करें और फलों का प्रयोग करें, जिससे आपकी जॉन्डिस जो है वह धीरे धीरे कंट्रोल में रहेगी और धीरे धीरे लगभग 10 से 15 दिन में आपकी जॉन्डिस जो है यह जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीका से भी आप अपनी जॉन्डिस को या पीलिया को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं, या तुरंत नहीं खत्म होगा, धीरे धीरे यह खत्म होगा। क्या जॉन्डिस होने पे हल्दी का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत लोगों का सवाल रहता है कि जॉन्डिस अगर हो गया है तो उतने समय हमें हल्दी का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको जॉन्डिस हो गया है तो उतने समय आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हल्दी का प्रयोग करेंगे तो उससे आपके शरीर में पीलापन जो है वह बढ़ता जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, तो उतने समय आप हल्दी बंद ना करें, हल्दी का प्रयोग अगर करना चाहते तो आप कर सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कि क्या जॉन्डिस का रिपोर्ट निकलवाना पड़ता है कि नहीं निकलवाना पड़ता है, और कौन सी रिपोर्ट से हम पता लगा सकते हैं कि हमें जॉन्डिस हो चुका है या पीलिया जो है वो या जॉन्डिस का है, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किस अगर हमें कराना है, जांच करवाना, चेकअप कराना है या ब्लड टेस्ट करवाना है, तो हमें कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए जिससे हाँ जॉन्डिस का पता चल जाए? दोस्तों अगर आप सीबीसी जांच करवा रहे हैं तो उतने समय आपको जो जॉन्डिस हुआ है उतने समय यह आपका पता चल जाएगा कि हमें जॉन्डिस हुआ है। चलिए दोस्तों आगे दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में बताएंगे कि एलोपैथ दवा से क्या हम जॉन्डिस को ठीक कर सकते हैं, और कौन कौन सी दवा आती है कि जिससे जॉन्डिस को जड़ से खत्म किया जा सकता है, और उसमें किस रिपोर्ट को निकलवाने से और क्या क्या रिपोर्ट में पता चलता है कि जॉन्डिस बढ़ चुका है, कितना नॉर्मल जॉन्डिस होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, उसी सब के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को ही विराम देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक या सब्सक्राइब तो बनता ही है, साथ में डॉक्टर मणि चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों देर ना करते वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।